मैं आपका दोस्त अभय कुमार एक बार फिर हाजिर हूँ अपने एक नए टॉपिक के साथ। इस बार का जो टॉपिक है वो थोड़ा हटके है, क्योंकि जितना भी आप सेफ्टी वालों को देखोगे वो इस टॉपिक पे आपको बात नहीं करते। इसके जितने भी आप YouTube पे भी जाके देखो कि बहुत कम ही टॉपिक पे मिलेंगे इस टॉपिक पे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। समय ना गंवाते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, स्किप ना कीजिएगा। स्किप कीजिएगा तो हो सकता है कुछ ऐसा पार्ट छूट जाए जो आपको समझ में आने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो। इस बार का जो टॉपिक है वो है प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव, ये ऐसा टॉपिक, ऐसा पॉइंट है जो हमेशा एक सेफ्टी वालों के लिए जरूरी होता है कि क्या चीजें प्रोएक्टिव होती हैं और क्या चीजें रिएक्टिव होती हैं। इस पे जानने से पहले हम सबसे पहले ये जानें कि प्रोएक्टिव क्या होता है एंड रिएक्टिव क्या होता है। तो हमको प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव जानने के लिए हमको क्या करना होगा, इन दोनों को दो भागों में बांटना होगा। ठीक है, प्रो प्लस एक्टिव एंड री प्लस एक्टिव। अब ये जब दो भागों में हम इसको बांट दे रहे हैं तब हमको पता चलेगा कि प्रोएक्टिव का मतलब क्या होता है एंड रिएक्टिव का मतलब क्या होता है। प्रोएक्टिव, जैसा कि इसके वर्ड से ही पता चलता है, प्रो मतलब पहले से, जो चीजों का प्रिपरेशन हम पहले से करते हैं, पहले से तैयार रहते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रोएक्टिव। एंड रिएक्टिव, रिएक्टिव दैट मीन्स कुछ हो जाने के बाद या कुछ कंप्लीट होने के बाद या कंप्लेन होने के बाद या कोई घटना घटने के बाद हम जो एक्शन लेते हैं उसको बोलते हैं रिएक्टिव। ठीक है, एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, एक जस्ट सिंपल जो गांव के लैंग्वेज में हमको पता है कि प्रोएक्टिव क्या होता है। जैसे कि हमको पता है घर पे हम लोग हैं, एक एग्जांपल लेते हैं शाम का टाइम। ठीक है, शाम के टाइम को हमको पता है, हमारे घर वालों को पता है कि इतने मेंबर खाना खाने वाले हैं, इतने मेंबर, मान लीजिए 5 पर्सन हैं, ठीक है, वो खाना खाने वाले हैं। तो घर का मेंबर जो खाना बनाने वाला होगा क्या करेगा, उसके लिए वो 5 लोगों के लिए पहले से खाना प्रिपेयर करेगा। वो क्या करेगा, पहले से 5 लोगों के लिए खाना प्रिपेयर करेगा। तो वो क्या हो गया, वो प्रिपरेशन पहले से करके रख रहा है, वो पहले से खाना प्रिपेयर करके रख रहा है ताकि ये 5 लोगों को खाना खाना है तो उसके लिए वो प्रिपेयर कर रहा है। लेकिन अगर शाम होने के बाद, ठीक है, कोई बाहर से आदमी आ जाता है खाने के टाइम पे, तो फिर उसके लिए क्या होता है, फिर अलग से प्रिपेयर किया जाता है, उसके लिए अलग से प्रिपेयर किया जाता है। तो उसको क्या हो गया, वो आने के बाद हम फिर एक्टिव हुए, वो आने के बाद हम एक्टिव हुए, उसके लिए खाना बना रहे हैं। तो ये दोनों चीजें आसानी से आपको समझ में आई होगी कि जो चीजें हम पहले से तैयार करते हैं वो है प्रोएक्टिव, एंड जो चीजें कुछ होने के बाद या कोई भी बात होने के बाद हम करते हैं उसको बोलते हैं रिएक्टिव। अब हम इसको सेफ्टी के टर्म लेके चलते हैं। HSC डिपार्टमेंट, जो हमारा डिपार्टमेंट है, जो हमारा चैनल का मुख्य जो सोच है, मुख्य पॉइंट है कि हमको अवेयरनेस करना है रिगार्डिंग सेफ्टी, तो हम सेफ्टी से बात करेंगे। प्रोएक्टिव क्या है, तो हम सेफ्टी क्या है, किसी प्रकार के लॉस से हमको बचाने का जो है वो है सेफ्टी, किसी लॉस से बचाने के लिए हम क्या हो, सेफ्टी है। अगर कोई लॉस होने से बचाने के लिए कोई भी चीज हम जो करते हैं पहले से करते हैं, पहले से अगर हम करते हैं तो वो है प्रोएक्टिव। जैसे कि एग्जांपल, कोई बंदा है, कोई भी आदमी आता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम क्या करते हैं, इंडक्शन ट्रेनिंग देते हैं। वो क्या है, प्रोएक्टिव है, पहले होने से पहले हम उसको अवेयर करते हैं कि भैया ये ट्रेनिंग है,
ठीक है, उसको हम साइट के बारे में सारा अवेयरनेस उसको देते हैं, एक्टिविटी जो भी है, एक्टिविटी जो भी एक्टिविटी है, एक्टिविटी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं उसको, जैसे हीरा, ठीक है, ये प्रिपेयर करते हैं, पहले प्रिपेयर करते हैं कि उसमें क्या क्या हैजार्ड हो सकते हैं, हम हैजार्ड आइडेंटिफाई करते हैं और उसका कंट्रोल मेथड लेते हैं, हैजार्ड को आइडेंटिफाई करके उसका कंट्रोल मेथड लेते हैं, तो वो क्या हो गया, प्रोएक्टिव हो गया, क्योंकि हम पहले से प्रिपेयर हैं, पहले से उसको रोकथाम की व्यवस्था की जा रही है। तो ट्रेनिंग हो गया आपको, जैसे हीरा हो गया, किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिंग कंट्रोल है, जैसे कंट्रोल को दो भागों में डिवाइड किया गया है, इंजीनियरिंग कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग कंट्रोल, जैसे वो कंट्रोल, ये कंट्रोल अगर हम कर रहे हैं तो वो क्या है, हमारा प्रोएक्टिव हो गया। फिर हम प्रोएक्टिव में क्या करते हैं, जस्ट जो लास्ट स्टेप ऑफ ये है, उसके लिए हम क्या करते हैं, पीपीईज हम देते हैं ताकि उससे हम बचा सके। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, घटना होने से पहले हम उसको रोकथाम करने के लिए जो अरेंजमेंट करते हैं वो है प्रोएक्टिव। जो भी हम ये व्यवस्था करते हैं वो है प्रोएक्टिव। मैनेजमेंट का इनिशिएटिव होता है, पीटीडब्ल्यू, इसमें पीटीडब्ल्यू सिस्टम होगा, डिस्प्ले होगा, डिस्प्ले बोर्ड्स होंगे, जो भी एक्स वाई जेड जो हम पहले करते हैं वो सारे होते हैं प्रोएक्टिव। कोई भी चीज रोकथाम करने के लिए हम अगर जो पहले से तैयार करते हैं वो होता है प्रोएक्टिव। ओके, अब आते हैं इस पे, हम सेकंड पार्ट पे, जैसे कि हम यहां पे प्रोएक्टिव समझ में आ गया पहले से जो हम पहले से करते हैं वो है प्रोएक्टिव। ओके, अब इसी में हम दूसरे पार्ट में आते हैं, वो है रिएक्टिव। दूसरा पार्ट रिएक्टिव। अब रिएक्टिव में क्या होता है कि मान लीजिए कि हमने प्रोएक्टिव तो किया, लेकिन कुछ ऐसा भी चीज, ऐसा भी पॉइंट होगा जहां पे हमसे हो सकता है कि इंपैक्ट के कारण या कहीं किसी कारण कहीं ना कहीं वो घटना हो जाता है। वो घटना होने के बाद जो हम एक्शन लेते हैं वो होता है रिएक्टिव। जैसे कि सिंपल सा है कापा, ठीक है, करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिंग एक्शन, एक सिंपल सा एग्जांपल है इसका, कापा, प्रिवेंटिंग एक्शन एंड करेक्टिव एक्शन। अगर कोई घटना होता है तो उस समय हम क्या उसके लिए करेक्टिव एक्शन ले रहे हैं, और फिर घटना दोबारा ना घटे उसके लिए हम क्या अरेंजमेंट कर रहे हैं, वो होता है कापा। ओके, इसमें फिर आता है आपको रिपोर्ट्स, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आप समझ सकते हो। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में क्या करते हैं हम कि इन्वेस्टिगेट करते हैं, वाई एनालिसिस करते हैं, वाई जो एनालिसिस होता है ना, वाई एनालिसिस करते हैं, उसका रूट कॉज एनालिसिस, ताकि पता चले कि क्या घटना घटा और क्यों घटा, उसको रोकने का जो हम अरेंजमेंट करते हैं उसको बोला जाता है रिएक्टिव। ओके, फिर इसी को हम आगे बढ़ाते हुए, अगर ये जब हम किए उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे एंड हीरा को हम क्या करते हैं, फिर रिवाइज करते हैं, जो रिवीजन वन रिवीजन टू जो होता रहता है ना, वो सिचुएशन या फिर कुछ इंसिडेंट एक्सीडेंट होने के बाद हम उसको चेंज करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, रिएक्टिव। तो ये फर्ज, दोनों में डिफरेंस ये होता है प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव में, कि प्रोएक्टिव जो होता है, रिएक्टिव होता है वो बाद में होता है, बाद में कुछ घटना होने के बाद में किया जाता है वो होता है रिएक्टिव, और प्रोएक्टिव में क्या होता है, कुछ घटना होने से पहले या कोई भी एक्टिविटी होने से पहले जो हम अपने उसके लिए प्रिपेयर होते हैं, उसके लिए हम प्रैक्टिस करते हैं या कोई भी हम तैयारी करते हैं, उसको बोला जाता है प्रोएक्टिव। ये डे टू डे लाइफ में भी हमको हमेशा पता चलता है कि हमको क्या करना है। जैसे एग्जाम है, एग्जामिनेशन होता है,
तो एग्जामिनेशन अगर एग्जाम है तो हम क्या करते हैं उसके लिए पहले से प्रिपेयर होते हैं। जब पहले से हम प्रिपेयर होते हैं तो उसे बोला जाता है प्रोएक्टिव। अगर एग्जाम में अगर कहीं ना कहीं किसी को क्रॉस मार्क आ जाता है या कहीं ना कहीं फिर दोबारा उसका थोड़ा सा नंबर कम रह जाता है तो उसका प्रिपेयर करके फिर जब हम एग्जाम देते हैं उसे बोला जाता है रिएक्टिव। तो ये आज का जो मेरा टॉपिक था वो प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव आपको समझाने की थी। अगर मेरे द्वारा जो वीडियो बनाया गया है अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।